भारत और पाकिस्तान दोनों देश कभी साथ रहने वाले एक तरह के लोगों से ही बना था, पर एक तरफ आज भी पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है, लड़खड़ा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में लोकतंत्र बहाल रहा। अलग अलग दलों की सरकारें आई और बिना किसी हिंसा के सुचारू रूप से सत्ता परिवर्तन हुए। कभी आपने सोचा कि भारत और पाकिस्तान में इतना फर्क क्यों आ गया? 1947 में जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान ने नफरत की राजनीति चुनी, हिंदुओं से नफरत की, और वो भी इतनी कि एक धर्म आधारित देश बना डाला, जिससे कट्टरता वहां और फली फूली। अब हिंदुओं को तो देश से निकाल दिया, पर प्रश्न था कि अब नफरत किससे करें, क्योंकि नफरत की राजनीति को खुराक चाहिए थी, नहीं तो नफरत की राजनीति करने वाले नेताओं की राजनीति कैसे चलती। इसीलिए शिया और सुन्नी को लड़वाया गया, फिर अहमदिया बोरा आदि को आपस में लड़वाया गया। ये आपसी लड़ाइयां किसी धर्म की नहीं बल्कि राजनीति की जरूरत थी, और इस नफरत की राजनीति के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान आज भी लड़खड़ा रहा है। उधर दूसरी तरफ भारत ने हिंदुओं के मूल मंत्र सर्वधर्म संभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव की स्थापना करते हुए धर्म निरपेक्षता की राजनीति चुनी, जिससे नफरत की राजनीति को पनपने का मौका ही नहीं मिला, और हम किसी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि नीतियों के आधार पर विकास के मानकों का आकलन कर वोट किसे दें ये फैसला करते रहे। इसलिए राजनीतिक दलों ने भी विकास को ही मुद्दा बनाया और हम विकास कर सके। पर अब भारत बदल रहा है। नफरत की राजनीति जो 70 साल पहले पाकिस्तान ने चुनी थी, वो ही राजनीति अब हिंदुस्तान में भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है। यहाँ भी पाकिस्तान की तरह ही कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद पैदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरह ही जैसे जैसे नफरत की राजनीति की खुराक बढ़ेगी, तब ठाकुर ब्राह्मण बनिया दलितों के बीच नफरत फैलाई जाएगी, क्योंकि ये उस राजनीति की जरूरत है जो नफरत पर आधारित है। नफरत करना किसी धर्म या संप्रदाय की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जरूरत है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत भी एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अगर आप पाकिस्तान नहीं बनना चाहते हैं तो नफरत की राजनीति पर अभी और इसी वक्त विराम लगाएं, नहीं तो आप जो हिंदुस्तान अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बदतर, बदसूरत और बदहाल होगा, और उसके लिए कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई सरकार नहीं, आप और आपके सोचने का नजरिया जिम्मेदार होगा, क्योंकि इस नफरत की राजनीति को समर्थन देने का निर्णय आपका है। स्मरण रहे, वर्तमान के बीच से ही भविष्य का जन्म होता है। जय हिंद।